नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे पांच ऐसी भविष्यवाणी के बारे में जो तुला राशि पर 100% सत्य होने वाली है। जो हम आपको समय देंगे जून से लेकर दिसंबर के बीच का, उस समय पर उस ग्रह से संबंधित यदि आप कोई भी काम करते हैं तो सफलता आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य से संबंधित भविष्यवाणी के बारे में। पहले नंबर की जो भविष्यवाणी है वो सूर्य से संबंधित है। सूर्य 17 अगस्त से सिंह राशि में 17 सितंबर तक रहने वाले हैं। ऐसे में तुला राशि वालों के लिए क्या लाभ देखने को मिलेंगे। सूर्य आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे 17 अगस्त से 17 सितंबर तक। ये जो समय है ये आपका बहुत ही शानदार समय है। इस समय पर यदि आप सरकारी नौकरी के लिए, प्राइवेट नौकरी के लिए या आय के कोई जरिया ढूंढते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है। जबरदस्त लाभ आपको देखने को मिल सकता है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो या कोई भी आप छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हो तो इसमें भी आपको सफलता देखने को मिलने वाली है। क्योंकि सूर्य जब भी लाभ भाव में गोचर करते हैं तो लाभ देने का काम करते हैं, आय के स्रोत पैदा करते हैं और आय में वृद्धि करने का काम करते हैं। इसलिए सूर्य आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। साथ ही साथ पंचम भाव को सप्तम दृष्टि से देखेंगे तो शिक्षा, संतान और प्रेम विवाह में भी सफलता देने का काम करेंगे। पंचम भाव फाइनेंशियल स्थितियों का भी होता है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्थिति आपकी मजबूत रहने वाली है, तो आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। ये समय आपको ध्यान रखना है। 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक का जो एक महीने का समय है ये आपका गोल्डन टाइम रहने वाला है और इस टाइम का फायदा आपको जरूर उठाना है। इस समय पर आपको कोई ना कोई कार्य आपको करना ही है, सफलता आपको जरूर देखने को मिलेगी। यदि आप कहीं इंटरव्यू देना चाहते हैं या नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो इस समय पर आप कर सकते हो। वही यदि दूसरे नंबर की भविष्यवाणी के बारे में हम बात करें जो कि मंगल से संबंधित है। मंगल जो है 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में धन भाव में गोचर करने वाले हैं। तुला राशि की कुंडली के अनुसार से यदि हम देखें तो मंगल धन भाव में अपने ही भाव में गोचर करेंगे और जब भी कोई ग्रह अपने घर में गोचर करे तो कभी भी नुकसान नहीं करता है, लाभ ही देने का काम करता है। तो मंगल जो है धन भाव में गोचर करेंगे तो धन देने का काम करेंगे, स्वाभाविक है, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे, फाइनेंशियल स्थितियों को मजबूत करने का काम करेंगे, तो ये समय भी आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। वही विवाह के योग भी बनेंगे और पार्टनरशिप में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि मंगल आपके सप्तम भाव के भी मालिक हैं और सप्तम भाव से विवाह के बारे में, दाम्पत्य जीवन के बारे में, दैनिक आय के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में देखा जाता है। तो दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, पार्टनरशिप में लाभ देने का काम करेंगे। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय, सभी क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे मंगल। तो ये भी समय आपको ध्यान रखना है, 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक ये जो समय है, इस समय पर भी यदि आप कोई भी काम करते हैं आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ, धन से जुड़ा हुआ, तो लाभ आपको जरूर देखने को मिलेगा। यदि हम तीसरी भविष्यवाणी के बारे में बात करें जो कि बुध से संबंधित है। बुध जो है 24 जून से 8 जुलाई तक मिथुन राशि में भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। तुला राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपने स्वयं की राशि पर भाग्य भाव में, मूल त्रिकोण के भाव में गोचर करता है तो उससे अच्छा समय कोई भी नहीं हो सकता। इस समय को आपको ध्यान रखना है, 24 जून से 8 जुलाई तक का जो समय है यह आपके लिए बहुत ही शानदार है, क्योंकि भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे बुध, व्यापारिक दृष्टिकोण से जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं अचानक बड़ा लाभ देने का काम करेंगे और वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है, जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, ऐसी संभावनाएं बनती हैं
और बुध जो है 12वें भाव के भी मालिक हैं, तो हो सकता है आप विदेश भी जा सकते हो। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो इस समय पर आपको जो है अप्लाई करना चाहिए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। वही यदि आप व्यापार कर रहे हो या नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हो तो इस समय पर आप कर सकते हो, सफलताएं आपको जरूर देखने को मिलेंगी। बुध भाग्य भाव में बैठ करके भाग्य को तो प्रबल बनाएंगे, भाग्य तो बदलने का काम करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, यात्राओं से लाभ देने का काम करेंगे, और यदि आप विदेश में रहते हैं तो जबरदस्त सफलता देने का काम करेंगे। ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई भी करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता देने का काम यहाँ पर बुध करने वाले। और यदि आप बुध से जुड़े हुए कोई काम करते हैं, जैसे आप लॉयर हैं, पत्रकारिता है, अकाउंट का काम करते हैं, तो कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है इस समय पर, तो ये समय आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। यदि हम बात करें चौथी भविष्यवाणी के बारे में, जो कि शुक्र से संबंधित है, और शुक्र लग्जरीज ग्रह माना जाता है, भोग विलास का कारक ग्रह माना जाता है, यदि ये सही भाव में गोचर करे तो वो समय आपका बहुत ही शानदार रहेगा। यदि हम शुक्र की बात करें तो 30 नवंबर से 25 दिसंबर तक ये तुला राशि में आपकी ही राशि में गोचर करने वाले हैं, और ये राजयोग बनाएंगे मालव्य राजयोग। मालव्य राजयोग एक ऐसा राजयोग माना जाता है जो कि यश मान सम्मान दिलाता है, धन दिलाता है, वैभव दिलाता है, कीर्ति दिलाता है, और सभी कार्यों में सफलता दिलाने का काम करता है। राजनीति में सफलता, सरकार पक्ष से लाभ, सभी क्षेत्रों में लाभ देने का काम करता है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन का लाभ देने का काम करेगा, भोग विलास में वृद्धि करने का काम करेगा। तो ये समय आपको ध्यान रखना है, दिसंबर का पूरा महीना वो आपका बहुत ही शानदार रहने वाला है, और राशि पति यदि अच्छे भाव में गोचर करे तो वो महीना आपका शानदार तो रहेगा ही रहेगा। तो ये समझ जाइए कि शुक्र मालव्य राजयोग बना करके दिसंबर के महीने में गोचर करने वाले हैं, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। वही अष्टम भाव के भी मालिक है, इस कारण से गुप्त धन भी देने का काम करेंगे। हो सकता है जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इन क्षेत्रों से भी बड़ा लाभ देने का काम करेंगे। तो ये समय आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। बात करें पांचवी भविष्यवाणी के बारे में, जो कि शनि अपनी स्वयं की राशि कुंभ राशि में पंचम भाव में विराजमान है और अच्छे लाभ देने का काम करेंगे। केंद्र त्रिकोण राजयोग ये बना रहे हैं, चतुर्थ भाव के ये मालिक हैं, पंचम भाव में ये बैठे हैं, केंद्र के मालिक है, त्रिकोण भाव में बैठे हैं, तो ये जबरदस्त लाभ देने का काम करने वाले हैं। जून से लेकर के दिसंबर तक अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। हालांकि ये वक्री भी होंगे, फिर भी आपको लाभ देने का काम शनि करने वाले हैं, तो शनि भी आपके लिए अच्छे लाभ देने का काम करेंगे। राहु की यदि बात करें तो 30 अक्टूबर 2023 के बाद राहु आपको बहुत ही जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। वही गुरु भी जो है 30 अक्टूबर के बाद जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि सप्तम भाव में गुरु का गोचर अच्छा माना जाता है। तो 30 अक्टूबर के बाद जो है गुरु भी जो है मजबूत स्थिति में गोचर करेंगे और राहु भी अच्छी स्थिति में गोचर करेंगे, तो दोनों ही ग्रह आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो ये पांच भविष्यवाणियां थी तुला राशि वालों के लिए। इस समय का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है और इस समय का आपको जो है फायदा भी उठाना है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। WhatsApp नंबर 9479893।